क्या सोच रही हो? सो सॉरी, मैं क्या सोच रही थी? हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि तुमने अपने और मेरे बीच का फासला अभी तक खत्म नहीं किया. मतलब ये कि हम लोग हम उम्र हैं, है ना? ये आप कहकर कुछ अपनेपन का एहसास नहीं होता. यू नो, तुम में अपना वो एक अपनापन होता है. याना, आप तुमने जो इस घर के लिए किया है, मम्मी को जिस तरह संभाला, उसके लिए मैं क्या, इस घर के हर इंसान के दिल के तुम बहुत करीब आ गई हो. सीरियसली, थैंक यू सो मच. लो, थैंक यू बोलकर तुमने फिर फासला बढ़ा दिया. वैसे उर्वशी, आपकी फैमिली में आने के बाद, तुम्हारी फैमिली में आने के बाद मुझे सचमुच एहसास हुआ परिवार क्या होता है, रिश्तों का क्या महत्व होता है, प्यार पाना क्या होता है. It all seems like a dream, जैसे कोई ख्वाब हो. याना, अब तुम यहां आ गई हो हमारे घर. हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा हर ख्वाब पूरा हो. और पता है, मैंने जिंदगी में देखा है कि अगर अपने ख्वाब पे यकीन हो ना, तो वो पूरा जरूर होता है, भले ही देर से हो. सही कहा तुमने. एक्चुअली, ख्वाब पर यकीन करने की जरूरत है, वो जरूर पूरा होता है. क्या तुम मेरी मदद करोगी? कोई पूछने की बात है? मम्मी जी, कैसी हैं आप? देखिए मम्मी, आपको ये सारे फल अब अकेले खत्म करने होंगे. श्वेता, इस वक्त हमारा कुछ खाने का मन नहीं है. मामा, कम से कम खाने पीने के मामले में अब तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी. मैंने सबसे कह दिया, आज से तुम वही खाओगी वही पियोगी जो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा. मां, कोई भी तुम्हें इस तरह बिस्तर पर बीमार देखना नहीं चाहता. मम्मी, करण बिल्कुल ठीक कह रहा है. अब आप इनकार नहीं करेंगे, हम जो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा. आपकी एक भी नहीं सुनेंगे हम लोग. अब आप ये फ्रूट खाएंगी और थोड़ा अपना ध्यान रखिए. इनकार मत करिएगा. इनकार करने का मौका ही नहीं देंगे. इनफैक्ट, मैं तो आपको एंटरटेन करने के लिए ये लेकर आई थी. आपको शतरंज का शौक है? इट्स माय फेवरेट गेम. और मुझे पता है कि आपको भी शतरंज बहुत पसंद है. तो हो जाए एक पासी? नहीं जाना, खेल बाद में, पहले थोड़ा सा फ्रूट हो जाए. ये लो मां. ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है मुझे. हाँ, आज से पहले तुम्हें इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा. सचमुच? मैंने आज तक कभी झूठ बोला है तुमसे? अब यही खड़े खड़े बातें करेंगे या चलेंगे भी? अब आओ बैठो. सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो. चले. हाँ,
कुणाल का नंबर ट्राई कर रही हो? पता लग ही नहीं रहा है, फ्लड्स की वजह से सारा नेटवर्क बिजी आ रहा है। एक बार ट्राई कर लेते हो। How sweet is that? लव मैरिज हुई है ना तुम लोगों की? पहले मैरिज फिर लव। भाई अपने कंट्री में ये कॉन्सेप्ट बड़े कमाल का है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते, अनजान है, जो जिसके अतीत के बारे में आपको कुछ नहीं पता, उसके साथ आप एक इतना इम्पोर्टेंट रिश्ता कायम कर लेते हैं। इट्स अमेजिंग। अब तुम ही मुझे बताओ, तुम कुणाल के पास के बारे में कितना जानती हो? पता है याना, हमारे यहाँ अतीत को देखकर नहीं भविष्य को देखकर रिश्ते बनाए जाते हैं। अब देखो, कई बार आप एक इंसान को सालों साल जानते हैं पर उसे पहचानते नहीं, और कई बार एक पल में ही कनेक्शन बन जाता है। कुणाल और मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत बहुत अच्छे से जानती हूँ। I'm sure. लेकिन उर्वशी, तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी आप जब किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में जो एक लकीर होती है वो थोड़ी सी धुंधला जाती है? I mean, little bit of lack of objectivity, नहीं? I don't think so. भरोसा ऐसे ही हवा में पैदा नहीं होता, सालों साल टूथपेस्ट के ढक्कन बंद करके साल उसके साथ रह के तब जाके भरोसा पैदा होता है। You're really wonderful. बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें कुणाल जैसा हस्बैंड मिले। टच वुड। क्योंकि अगर मेरे एक्सपीरियंस को देखो, मुझे तो लगता है कि जितने मर्द जैसे ही पैदा होते हैं तो उन्हें डॉक्टरेट डिग्रीज मिल जाती हैं झूठ बोलने में। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अजीब लगती है, सीरियसली। लेकिन प्रॉमिस, मैं बिल्कुल अजीब नहीं हूँ। डोंट फॉरगेट, आई एम अ जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट का काम है इन्वेस्टिगेट करना। और हाँ, इन्वेस्टिगेट करते करते थोड़ा पागल तो हम लोग बन ही जाते हैं। तुम पागल बिल्कुल नहीं हो। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अपने फैमिली एल्बम्स दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखो, ओप्स, सी, हमें अब दवा की कोई जरूरत नहीं, हमारी सब चिंताएं तो हमारे बेटे ने अपने सर ले ली। श्वेता कह रही थी तुम रोज ऑफिस जा रहे हो, सवेरे से काम कर रहे हो, हम बहुत खुश हैं करण, हमारा सारा बोझ तो आपने अपने कंधों पे ले लिया। कम ऑन माँ। माँ वैसे तुम जानती हो आजकल पार्टी के यूथ मेंबर्स का शिवर चल रहा है, ऊपर से मिड टर्म पोल्स कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, तैयारी तो पहले से करनी होगी ना माँ। एंड माँ, आई प्रॉमिस, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छूटेगी। हम ये भी नहीं चाहते कि सब जिम्मेदारी आप अकेले उठाएं, काम बहुत है करण। You're right. काम वाकई बहुत है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, नो स्ट्रेस, नो वरीज, ओनली रेस्ट। देखो माँ, जब तुम बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाओगी, फिट हो जाओगी, ये बागडोर तुम्हें ही तो संभालनी है। क्या तब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? हमें तुम पे पूरा भरोसा है। देख, हम जानते हैं तुम बहुत बदल गए हो, अपने गुस्से पे तुम्हें काबू है, अब तुम जो भी काम करोगे लोग उससे मायूस नहीं होंगे, इसलिए हमने ये फैसला किया है। हम चाहते हैं ये कागजात और ये लॉकर्स की चाबियां तुम अपने पास रखो, ये किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए कभी। अब इनको महफूज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी।
सब क्या है? कब किया तुमने? कृतिका, पहली चाल आपकी। सोच लीजिए, कभी कभी पहली चाल पूरी बाजी पलट देती है और कभी कभी पहली चाल से ही पता चल जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चलिए, इस बार आप जीत गए, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूं कि अगली बाजी मेरी होगी। माँ, माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? हम बिल्कुल ठीक हैं। इस बार बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई कुनाल। हाँ माँ, नुकसान तो बहुत हुआ लेकिन अब सब काबू में है। वो सब बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि अचानक आपकी तबीयत को? हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम चिंता मत करो। इनसे मिलो। माँ, ये याना है, सीबीसी की रिपोर्टर। हाँ माँ। मैं कुणाल को पहले से जानती हूँ। आप कुणाल को कैसे जानती हैं? वो अब आपकी जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, आपके परिवार वालों को तो जानना पड़ेगा। हाय, आप आ गए? हाँ, अभी अभी आया हूँ। सफर से थक गए होगे कुणाल, तुम जाओ आराम करो, हम सवेरे बात करते हैं। ना खा लिया आपने? एक गेम और हो जाए मैम, इस बार बाजी मेरी होगी। याना कितना अच्छा चेस खेलती है, मजा आ गया। मम्मी का भी दिल उससे इतनी अच्छी तरह से लग गया है ना, कमाल है। उर्वशी, माँ अस्पताल से घर आ गई है और घर में हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? आप शायद भूल रहे हैं कि याना की हाजिर दिमाग की वजह से मम्मी आज घर वापस आई है। हाँ तो ठीक है, उसने माँ को समय पर अस्पताल पहुंचाया, हम सब उसके शुक्रगुजार हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो घर में रहना शुरू कर दे। कब तक रहेगी वो? ये किस तरह की बात?
बात कर रहे हैं आप? आपको पता है याना यहाँ मम्मी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है। जैसे डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी वो चली जाएगी। वैसे आप याना को लेके इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं याना को लेकर परेशान नहीं हो रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे घर में रहने की इजाजत देने की क्या जरूरत थी। आप हर बात को जरूरत के नजरिए से कब से देखने लगे? और मुझे नहीं लगता हम में से किसी को हक है कि हम उससे बेरुखी से पेश आए। कोई और वजह तो नहीं है आपकी परेशानी की? नहीं, कोई और वजह नहीं। चलिए फिर मैं खाना लगाती हूँ। थैंक यू। यहाँ अकेले बैठ करके सोच में खो गए थे? कृतिका, मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों के दिल में कुछ और होता है और चेहरे पर कुछ और। कैसे सच को झूठ में बदल देते हैं? बिल्कुल नहीं, झूठ झूठ है और सच सच। झूठ सच की जगह कभी नहीं ले सकता। कृतिका, ये तुम्हारा ख्याल है, कहो तो अभी तुम्हें गलत साबित कर दूं। वो कैसे? वो ऐसे कि लेट्स प्ले अ गेम जहां पर हम दोनों बारी बारी एक दूसरे से सवाल पूछेंगे जिनका जवाब सिर्फ सच या झूठ में देना होगा। बोलो, खेलती हो? ओके ओके। तो पहला सवाल मैं पूछता हूँ, तुम्हें ग्रीन कलर ज्यादा पसंद है? सच। तुम अपने पापा से सबसे ज्यादा डरते हो? झूठ। सच। तुम अपने घर में कुणाल भैया से सबसे ज्यादा क्लोज हो? झूठ। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है? सच। तुम्हें चाइनीज खाना बहुत पसंद है? सच। तुम घर से ज्यादा इस फार्म हाउस को पसंद करते हो? सच। तुम मुझसे प्यार करती हो? सच।